सोमवार को नैनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें ग्राम पिंडरी निवासी ग्रीन वैली स्कूल के मालिक व एचपी पेट्रोल पंप के डीलर राजकुमार जैन के विरुद्ध नाबालिग बच्चे के साथ गलत काम करने के प्रयास पर नैनपुर थाना में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7 व 8 अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार राजकुमार जैन दिनांक 25 अगस्त 24 को अपने स्वयं के खेत में मजदूरी पर लगे नाबालिग बच्चे को मक्के की फसल लगे खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार का प्रयास करने लगा। किसी तरह नाबालिग बच्चा खुद को छुड़ाकर वहां से भागते हुए आकर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। अपराध गंभीर प्रकृति का होने के चलते थाना नैनपुर में शिकायत के उपरांत त्वरित मामला पंजीबद्ध कर मामले की पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दी है। नैनपुर से संवाददाता अनिल जानगड़े की रिपोर्ट। 25/8/2024 की घटना है। एक बालक है, उसके साथ पिंडरी के राजकुमार जैन के द्वारा लैंगिक हमला करने की घटना का हमारे पास रिपोर्ट आई थी, जिस पर हमने अपराध 7/8/501 और SC/ST के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। आरोपी अभी कुछ जो प्रथम कार्रवाई हो रही है, उसके बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी आरोपी उसके पते पर नहीं है, इतना पता कर लिया है, उसका जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे।